ईद उल अजहा की आमद आमद मवेशी मंडियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक लगेंगी। वफाकी वजीरे मनसूबाबंदी की जेर सदारत NCOC का इजलास। असद उमर का कहना था कि शहर के अंदर किसी को मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीरे मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। NCOC इजलास में मवेशी मंडियों का इंतजाम और SOPs का जायजा लिया गया। शरका को बताया गया कि मुल्क भर में 700 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। तमाम मुतलिका अफराद को SOPs फराहम कर दी गई है। इजलास के मौके पर असद उमर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से उठाए गए बरवक्त इकदाम से कोरोना के ज्यादा फैलाव को रोका गया। मुल्क भर में 321 मकाम पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए 3 लाख अफराद को कोरोना से बचाया गया है। NCOC ने 3 शहरों में कोरोना के तेजी से फैलाव की निशानदेही की। असद उमर ने कहा कि देहात और शहरों के दरमियान मवेशियों और अफराद की नकलो हरकत से कोरोना फैलने का खदशा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मवेशी मंडियों का बेहतर नज्मो नस्क नागुजीर है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि मवेशी मंडियों की तादाद में इजाफा किया जाएगा, तहम इनका हजम छोटा होगा। मुकर्रा हद से ज्यादा लोगों को मंडी आने की इजाजत नहीं होगी। शहर के अंदर किसी को मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मवेशी मंडियों में मास्क के इस्तेमाल और सामाजिक फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग की जाएगी।